सोनाक्षी सिन्हा को देखते ही शत्रुघ्न सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए थे। जी हाँ, सोनाक्षी को देखते ही रो पड़े थे शत्रुघ्न सिन्हा। की जानकारी के लिए बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने दूसरे धर्म में जाकर के शादी रचाई है। वहीं दूसरी तरफ शादी के दो दिन बाद ही उनके पापा यानी शत्रुघ्न सिन्हा की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जी हाँ, और हॉस्पिटल के बाहर सोनाक्षी और जहीर इकबाल भी स्पॉट हुए थे, लेकिन तब कयास लगाया जाने लगा कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसी वजह से वो हॉस्पिटल गईं। लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई और बताया गया कि शत्रुघ्न की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर में चक्कर खाकर गिर गए थे, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। अब ऐसे में बताया गया कि जब सोनाक्षी अपने पति जहीर के साथ मिलने पहुंची, तब उनके पापा की आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे। जी हाँ, वो अपनी बेटी को देख करके रो रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा अब अपने पापा को हॉस्पिटल में ही छोड़ करके हनीमून के लिए रवाना हो गई हैं और वो अपने हबीब के साथ हनीमून एंजॉय कर रही हैं। बता दें कि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जहीर इकबाल सोनाक्षी के हाई हील्स को थामे वॉक करते हुए नजर आए। अब ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और लोग कहने लग गए कि एक तरफ तुम्हारे पापा बीमार हैं और तुम हनीमून एंजॉय कर रही हो। बता दें कि इसी वजह से कहा जा रहा है कि सिन्हा फैमिली में मामला कुछ टाइट सा चल रहा है। वह अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा की हालत यानी कि उनकी स्थिति में सुधार आता है या फिर नहीं, और सोनाक्षी सिन्हा इस पर यानी कि अपने ट्रोलिंग पर क्या कुछ रिएक्शन देती हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी।